8 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले दरिंदों को 1.5 साल बाद उनके गुनाहों की सजा मिली है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या के मामले में पठानकोट कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने 3 दोषियों को उम्र कैद और 3 को 5 साल की सजा सुनाई। जिन 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है उनमें मास्टरमाइंड सांझीराम, प्रवेश कुमार और विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया शामिल हैं, जबकि सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, कांस्टेबल तिलक राज और विशेष पुलिस अधिकारी सुरेंद्र वर्मा को 5-5 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 1,00,000 रुपए फाइन और लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 302 एंड 376 डी में इनको 25-25 साल की सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा के साथ साथ सांझीराम, प्रवेश कुमार और दीपक खजूरिया पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पठानकोट कोर्ट ने 7 में से 6 आरोपियों को दोषी मानते सजा सुनाई है, जबकि 7वें आरोपी सांझीराम के बेटे विशाल को बरी कर दिया। जब तक सच्चाई नहीं आई, चाहे सरकार है चाहे कोई है, हमने फाइट करनी है। आगे अपील फाइल करेंगे, जबरदस्त करेंगे और इनका मुंह बंद करेंगे। पहले क्राइम वालों का, सारी गुंडागर्दी क्राइम वालों की है, महबूबा मुफ्ती की है और साथ में तालिब हुसैन की है। उनको तो किसी ने नहीं पकड़ा और निर्दोष बेचारे आगे लगा दी उनको कड़ियां। सरकार का कौन सा बंदा इसमें इन्वॉल्व है ये बता दो मुझे। अब मीडिया हो ना, अब जाके सरकार से पूछो कौन सा बंदा इन्वॉल्व है इसमें, जिसको वो बचा रहे हैं और निर्दोषों को फांसी दिला रहे हैं वो। आइए आपको सुनाते हैं दोषियों को सजा सुनाए जाने पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। हम अदालत के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस फैसले से कई लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया होगा, मुझे खुशी है और मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूं अपने मुल्क के तमाम लोगों को जिन्होंने इसमें उस बच्ची का साथ दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कठुआ कांड के दोषियों के लिए फांसी की सजा मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए। आपको बता दें कि देश को हिलाकर रख देने वाला ये मामला पिछले साल जनवरी में सामने आया था। 10 जनवरी 2018 को बकरवाल समुदाय की 8 साल की बच्ची को अगवा किया गया था। कई दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा गया, दुष्कर्म किया गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। 17 जनवरी को जंगल में बच्ची का शव बरामद हुआ था। कठुआ कांड को सांप्रदायिक रंग भी देने की कोशिश हुई। कठुआ में वकीलों ने पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने से रोकने की कोशिश की। केस को कठुआ से पठानकोट ट्रांसफर किया गया। महीनों चली सुनवाई के बाद दरिंदों को शर्मनाक गुनाह की सजा मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।